अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, ईशान वेलकम टू माय YouTube चैनल। रात के बज रहे हैं 1:30, एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं आज की हमारी राइड होंडा विजल नहीं बल्कि हम जाएंगे जी टोयोटा यारिस पे। सबसे पहले लगेज रखते हैं गाड़ी में, खोलिएगा जरा डिग्गी। तो ये आ गया हमारा सामान। सोच रहा हूँ हम गाड़ी की फ्यूल एवरेज का एक व्लॉग बनाएं। तो पहले हम बनाते हैं टोयोटा यारिस की फ्यूल एवरेज का और बाद में हम बनाएंगे विजल की आकर। बताया कि हम सीधा मोटर पे बजते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं। आज हम एवरेज चेक करेंगे टोयोटा यारिस की इस्लामाबाद लॉन्ग पे। पहले जाके फ्यूल डलवाते हैं, चेक करते हैं क्या एवरेज है और आराम से जाएंगे। मोटरवे पे नाइट विजन कैमरे लगे तो हम भगा नहीं सकते। पहले निकलवाते हैं जी कैश, क्योंकि कैश नहीं थे ऐश नहीं है, थोड़े बहुत लेकिन पा नहीं है भाई के पास 10-10, 20-20 वाली। ये देखें तो पैसे निकलवा लेते हैं थोड़े। गाड़ी तो सीटन वाली नहीं गई पर टोयोटा की सीटन वाली है। क्या ज़रूरत थी इतनी ऊँची गाड़ी बनाने की? कोई रोड ट्रिप नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेकिन हम एवरेज आपको बताते हैं इसकी कितनी एवरेज है। लॉन्ग पे आराम से जाएंगे 120 पे ही। जैसे लोग बना रहे होते हैं कि 80 पे 70 पे 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर चला ली, वो हिसाब नहीं करेंगे हम। टैंक टू टैंक करेंगे और आराम से 120, और जो एक नॉर्मल इंसान गाड़ी चलाता है उस हिसाब से गाड़ी की एवरेज निकालेंगे। इस्लामाबाद क्या करने जा रहे हैं? 2000 काम है मुझे, वो आपको इस्लामाबाद जाके बताऊँगा। हम तो मेरे ख्याल में फ्री के पैसे देते हैं, हमेशा इधर रश होता है। आए 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 है नॉट, बाकी रास्ते में खिलवा लेंगे जितने चाहिए वो है। फ्रेश हम यहाँ से गाड़ी की टंकी फुल करवाते हैं और फिर सीधा इस्लामाबाद जाके बचते हैं। ठीक है, इसको पूरा दबा लें। ठीक हो गया, पेट्रोल भी चेक कर लेते हैं कितने का डला है। मेरे ख्याल में कोई 8-9 हज़ार का ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी पेट्रोल है गाड़ी में। अभी एक पॉइंट से थोड़ा ही कम था। कभी भाई का आइडिया 9 हज़ार, इसको 10 पूरा कर दें। 9.5 हज़ार का पेट्रोल लगवा लिया है, बाकी इस्लामाबाद जाके दोबारा टैंक फुल करवाएंगे तो एवरेज निकल आएगी हमारी गाड़ी की कितनी है। आगे का सफ़र अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। गाड़ी टोटल 35,000 किलोमीटर चली है और ट्रिपे हम कर रहे हैं 0-114 थी, बाकी एवरेज भी मेरे ख्याल में इसकी 0 ही करनी पड़ती है। एवरेज 11.4, ये भी 0 होगी। अब आपको मीटर की एवरेज भी बता देंगे और टैंक टू टैंक भी। वे चढ़ चुके हैं इस्लामाबाद के लिए, 120 की स्पीड मेंटेन करते हैं और पहला क़यामत टाइम आ गया है और तकरीबन 60 किलोमीटर, पूरा ही 60 किलोमीटर हम आ गए मोटरवे पे। एवरेज अभी जो मीटर बता रहा है वो है जी 15.2। कुछ खाते पीते हैं, अब काम बता दें आपको। दूसरा हम जाएंगे सुल्तान दी खुई गाड़ी के कुछ पार्ट्स लेने और मार्केट घूमूंगा, पूरी कार्ड्स वगैरह ले आऊँगा और कोई भी पार्ट हमें फ्यूचर में अपनी किसी भी गाड़ी का चाहिए होगा तो हम उनको ऑर्डर करेंगे, वो हमें बिल्टी करवा देंगे। तो पूरी सुल्तान की खुई का आपको टूर करवाएंगे और जो जो वहाँ पर मिल रहा है, क्या प्राइसेस हैं आजकल सामान की, वो सारा कुछ आपको बताऊँगा। आपको बता दूँ कौन सी तो है ये यारिस 1.3 मैनुअल बेस वेरियंट जो यारिस का है। सामान ले लिया, इधर वादू आग लगी हुई है, खाते पीते जाते हैं और अगली जो अच्छी आराम टाइम आते हैं वहाँ पर जाके पेट पूजा भी करते हैं। बहुत भूख लगी हुई है, ये अभी गुजारा इसे हम चला लेंगे अपना। एवरेज भी फिलहाल ठीक है और सफ़र हमारा मज़े का चल रहा है। बहुत मौसम अच्छा है, सुना है इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही हुई तो इस्लामाबाद वैसे बहुत प्यारा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बारिश में तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। चल रहे हैं अभी 3:12, 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें घर से निकले हुए, आराम से 120 पे क्रूज कर रहे हैं गाड़ी को, गाने सुन रहे हैं और जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। बॉडी रोल वाला सीन बैड है इस गाड़ी का। अभी ये करोला क्रैनी निकली है पास से मेरे, मैं 120 पे हूँ तो वो होगी 140 पे होगी, सामने आपके नज़र आ रही है ये जा रही है और गाड़ी को ऐसे लग रहा है पीछे से किसी ने पकड़ के बिल्कुल खींच लिया है। तो बॉडी रोल वाला सीन बैड है इस गाड़ी का। इस्लामाबाद में जा रहा था सुबह, ये हुकूमत दुनिया की पहली हुकूमत है जो अपनी हुकूमत धरना देने जा रही है, तो मैंने एक चीज़ नोट की, काफ़ी गाड़ियों में पहले देख चुका हूँ। आप देखें ये हर गाड़ी के पीछे जो उन्होंने बैनर लगाया हुआ है ना, मैं आपको आगे जाके बाकी गाड़ी के भी दिखाता हूँ, सब में सेम है। इसका मतलब कि ये पैसे दे के खुद गाड़ियां भेज रहे हैं अपने, स्पोर्ट नहीं है जो बोलते हैं जी 20 करोड़ आवाम हमारे साथ थी, 25 करोड़ आवाम हमारे साथ थी, ये स्पोर्ट्स कार है और इसके ऊपर भी सेम लगा हुआ है, देख लें आप। दूसरी ब्रेक हमारी लग चुकी है भेरा पे और अगर आपको एवरेज की सूरत हाल बताऊं तो हम चल गए हैं जी 195 किलोमीटर और एवरेज आ रही है 15.5 की और पेट्रोल की टैंकी आप देख लें कितनी नीचे गिर गई है। तो हमारा अच्छा चल रहा है, इस्लामाबाद जाके स्टे मैं करवा चुका हूँ, पहले जाएंगे पहले जाके फ्रेश होते हैं उसके बाद जो बाकी के काम है वो करेंगे। खाना हम खाने आए यहाँ पर, देखते हैं कुछ अगर अच्छा मिल जाए। इस्लामाबाद जाते हुए सबसे जो प्यारा इलाका आता है ना वो ये वाला है मोटरवे पे, जब आपको सामने पहाड़ नज़र आते हैं और इधर एक पुल भी नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, वो बड़ा खूबसूरत सीन लगता है।
बहरहाल एवरेज आपको बताऊं तो 15.4 की अभी तक गाड़ी एवरेज दे रही है और इतना फ्यूल उसने खा लिया हमने। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं हम बहुत आराम से 7 बजे। काफ़ी टाइम लग गया हमें, लेकिन हम रुकते रुकाते आए हैं खाना खाते। एक बार तो हम नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा जाके करेंगे। ट्रैवल में वैसे भी बहुत भूख लगती है मुझे। आप वैसे भी चेक करते हैं कितने हो गए, हर बार इन्होंने बढ़ा दिए होते हैं। कितने हो गए हैं जी? अब 1000 रुपये जी। जब लास्ट बार में आया था तब मेरे ख्याल में 9-10 थे, 90 रुपये का इन्होंने इजाफा कर दिया है। इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं हम, यहाँ पर हमारी रिहाइश है आज की। फ्रेश होते हैं और जो जो काम करने आए वो करते हैं, और इंशाल्लाह रात को सिंटोरस मॉल चलेंगे और देखेंगे क्या क्या करते हैं।